Hi friends, as you all know, we are discussing our video series for class 10th level. I have posted so many videos related to class 10th genetics. So today in this video, we are going to discuss problems. I have taken only one problem, so we can't say problems. So all the questions regarding crosses. So in this video, I am totally focusing on problem related on monohybrid cross, as you can see in my screen. So in this video, what we are going to do, we will totally focus on problem session. Okay. You have to read question first. Okay. In this question, how we are going to solve this question, you have to just learn in this video. So starting from the question, in horses, allele for a straight hair is dominant and allele for curly hair is recessive. जो dominant trait है, किसी भी horse की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो horse में एक होगा dominant और एक है recessive हमारे पास. This is dominant. Okay, and second one is recessive. तो हमें ये क्वेश्चन में ये चीज पकड़नी होती है कि डोमिनेंट जो एलील है, ठीक है, तो डोमिनेंट एलील है उसको हम लोगों ने कैपिटल एच से एक्सप्रेस किया हुआ है. हम लोगों ने डोमिनेंट एलील के लिए एक अल्फाबेट यूज करा. आपको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हमेशा जितनी भी डोमिनेंट एलील हो उनको हम किसी भी एक अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो उसका सेकंड, जो उसका एक सामने का अपोजिट होगा, आप ऐसे कह सकते हैं, एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, तो जो रेसेसिव एलील है उसका हम उसी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर लेंगे. सपोज हमने स्मॉल एच ले लिया और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल एच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट हेयर. ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि कैपिटल एच का मतलब क्या है, स्ट्रेट हेयर, और स्मॉल एच का मतलब कर्ली हेयर. अब आपको फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन में फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए हॉर्स ब्रीडर मेड सा होमोजाइगस डोमिनेंट मदर. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग पेरेंटल से स्टार्ट करते हैं. पेरेंटल क्रॉस से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फादर होंगे, एक मदर होंगे. आप ऐसा कह सकते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी. ओके, तो मेल फीमेल की अगर हम लोग बात यहाँ पे करेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि होमोजाइगस डोमिनेंट मदर. होमोजाइगस का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जो हमारे प्रीवियस वीडियोज है, जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी का वीडियो है. वो अगर स्टूडेंट्स आपका स्किप हो गया है तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे, तभी आप इस वीडियो को, इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे. तो एक हॉर्स ब्रीडर मेड्स अ होमोजाइगस डोमिनेंट मदर. जो मदर है वो कैसी है, होमोजाइगस है और डोमिनेंट है. इसका मतलब इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, विद अ हेट्रोजाइगस मेल. और जो मेल है वो इस तरीके का है. हेट्रो का मतलब टू डिफरेंट एलील्स एंड होमो का मतलब दो सिमिलर एलील्स. व्हाट इज द चांस दैट ऑफस्प्रिंग विल हैव स्ट्रेट हेयर. अब आपको इसकी F1 जनरेशन निकालनी है. आप चाहे तो हमारे वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जब आप सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पनेट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करने को पहले भी बोला हुआ है, जब मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे, इस क्रॉस में एक हम लोगों ने यहाँ पनेट स्क्वायर बनाया है और इस पनेट स्क्वायर में हमारे पास जो फादर है उनकी तरफ से कैपिटल एच और स्मॉल एच आ रहा है और मदर से कैपिटल एच और कैपिटल एच. तो आप देख सकते हैं कि जब हम इनको इनसे क्रॉस कराएंगे, इसके लिए मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो चलिए हम यहाँ पे एक ऑरेंज कलर ले लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच. इसका मतलब हमें दो कैसे मिल रहे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट और दो हमें हेट्रोजाइगस मिल.
कैपिटल एच का मतलब है स्ट्रेट हेयर, इसका मतलब इनका भी स्ट्रेट हेयर होगा, इनका भी स्ट्रेट होगा, अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है कि डोमिनेंट एलील हमेशा एक्सप्रेस करेगी, चाहे वो डोमिनेंट के साथ है चाहे वो रिसेसिव के साथ है, नाम ही उसका डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट एलील यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है, इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, कैसा, स्ट्रेट हेयर वाला, और ये हेट्रो वाला भी, इसका मतलब सारे के सारे स्ट्रेट हेयर के आएंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं F1 जनरेशन में। ओके, तो व्हाट इज द चांस दैट ऑफस्प्रिंग विल हैव 100 स्ट्रेट हेयर, यू कैन राइट हियर 100% चांस, आंसर क्या हो जाएगा 100%, या फिर चार में से चारों के चार स्ट्रेट हैं तो आंसर हो जाएगा 1, आप इस तरीके से कह सकते हैं, परसेंटेज में भी लिखेंगे तो भी सही है, वैसे लिखेंगे तो भी सही, 100% चांस है यहाँ पे स्ट्रेट हेयर का। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्ली हेयर एक भी नहीं बन रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा हमारा ये जो क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स में, तो आप सेक्शन बी के लिए जो भी हमारे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली फोकस करेंगे, जो सेक्शन बी में आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें एक प्रॉब्लम जरूर आती है, वो चाहे मोनोहाइब्रिड पे बेस्ड होगी चाहे वो डाईहाइब्रिड पे बेस्ड होगी। तो बेटर है कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, उस पर मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करूंगी, उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगी। और स्टूडेंट्स मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डाईहाइब्रिड क्रॉस की एक प्रॉब्लम होगा, हम लोग वीडियोज में कुछ कुछ प्रॉब्लम सेशन भी करते रहेंगे, जिससे कि जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं उसका हमारा एक थॉरो रिविजन भी हो जाएगा, और हमारे पास एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन ही फेस करने होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसको देख लेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स वो एक प्रॉब्लम होगी जो कि डाईहाइब्रिड पे बेस्ड होगी। पहले मैंने सोचा था कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का एक ही साथ कंबाइन कर दूंगी, फिर मुझे लगा कि डाईहाइब्रिड का हम लोग अलग से करेंगे, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे अपडेटेड वीडियोस के टच में रहिए, और अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस, और हमारे चैनल को प्रमोट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, आई होप वी विल मीट सून, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।